नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक ऐसा वीडियो मैं लेकर आया हूँ जिसको सब लोग जानते हैं। जी हाँ, आपके एंड्रॉयड में होने वाला प्ले स्टोर आपने देखा होगा। जितने भी एप्लीकेशंस को जो आप डाउनलोड करते हैं, जो गूगल ने रजिस्टर्ड जो एप्लीकेशन बनाया है, जिसके माध्यम से जो है आप सारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, उसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ ये बताने के लिए कि इसका यूज़ जो है कब कब किया जाता है। ज़्यादातर हम इसका यूज़ करते हैं किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना हो, अपडेट करना हो, लेकिन जो मेन चीज़ है, अभी कुछ दिनों से अपडेट हो गया है। और अपडेट होने के बाद आप जब यहाँ जाते हैं माय एप्स एंड गेम्स पर, और इसके बाद जब दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं कि ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, यहाँ देखिए, यहाँ आपको पता चलता है कि कौन सी एप्लीकेशन आपकी अपडेट है और कौन सी एप्लीकेशन आपकी अपडेट नहीं है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिन एप्लीकेशंस को, वैसे तो सारे एप्लीकेशंस को, जितने ऐप होते हैं उन सभी को अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से अपडेट अगर कोई कंपनी और कोई एप्लीकेशन निकालती है तो वो अपडेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमें उसको अपडेट ज़रूर करना चाहिए। लेकिन ऐसे एप्लीकेशंस जिन्हें आप लोग चलाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हुआ, जीमेल हुआ, ट्रूकॉलर हुआ, मैंने ये एप्लीकेशंस अपडेट नहीं किए हैं सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए कि आपको ये बता सकें कि ये जैसे भी जितने भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आप चला रहे होते हैं, ये अपडेट हमेशा रखने चाहिए। अगर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज़ आप ज़्यादा नहीं करते हैं, उनको अपडेट नहीं करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से दोस्तों डेटा प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई है। अब फेसबुक, इंस्टा, स्टार मेकर, जो भी एप्लीकेशंस आप चलाते हों, उन्हें प्रॉपर अपडेट रखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसी तरह दोस्तों, एक और बात मैं बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर लाइब्रेरी आप देख रहे हैं, ये जो लाइब्रेरी होती है, यहाँ पर वो एप्लीकेशंस होते हैं जितने भी आपने ऐप अपनी रजिस्टर्ड जीमेल आईडी से आज तक डाउनलोड किए हैं। जब से ये फ़ोन लिया गया है, जब से आप प्ले स्टोर पर आपकी आईडी इंस्टॉल हुई है, तब से लेकर आज तक आपने जितने एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया है, वो सभी एप्लीकेशंस यहाँ आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कोई बहुत अच्छा काम का ऐप होता है जिसे हम भूल जाते हैं, हमें पता नहीं रहता कि वो ऐप का नाम क्या था, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माय एप्स एंड गेम्स में आने के बाद जहाँ अपडेट का ऑप्शन आता है, वहीं से ऊपर तीसरा ऑप्शन दिख रहा है लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी में आने के बाद आपको वो हर एक एप्लीकेशन यहाँ मिलेगा, जो एप्लीकेशन आप जो है डाउनलोड करके उसको हटा चुके हैं या फिर वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसी तरीके से दोस्तों, एक शेयर का ऑप्शन अभी आया है, ये जो नया ऑप्शन जोड़ा गया है, इससे आप नियर बाय शेयर कर सकते हैं एप्लीकेशंस को बिना इंटरनेट के। आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी, आपको शेयर ऐप जो है आपके पास वाले एंड्रॉयड फ़ोन जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, वहाँ पर सिर्फ आपको जो है ये शेयर का ऑप्शन ओपन करना है और यहाँ से आप सेलेक्ट करके सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे गूगल प्ले स्टोर के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि इन छोटे छोटे मसलों के ऊपर कोई वीडियोस बनाता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज के दौर में ये बातें बताना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम था विवेक भारद्वाज। थैंक यू।